डायबिटीज के मरीजों के लिए खुशखबरी, समर्थ सोशल फाउंडेशन व जनरल हॉस्पिटल कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा निर्मित एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी के नियमित सेवन से आपका इंसुलिन स्तर सामान्य होने लगेगा, जिससे एलोपैथिक दवाओं की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप नियमित रूप से 6 महीने तक एंटॉक्स-डी और एंटॉक्स-डी का सेवन करते हैं तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। अपनी डायबिटीज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सिटी स्टाइल के पास बैंक मोड धनबाद, मोबाइल नंबर 8987524675 और 9709044646। 4/10/2024 को जदयू पार्टी ने प्रदेश महासचिव सह यूथ फोर्स के प्रधान संयोजक दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग का पुतला दहन किया। पार्टी के सभी कार्यकर्ता गोमो बिजली ऑफिस से जुलूस के शक्ल में स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय विधायक के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए स्टेशन मोड़ शिव मंदिर के पास पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दीप नारायण सिंह ने कहा कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। गोमो, तोपचांची जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र के जीतपुर और साहिब भैयार पीएचसी में डॉक्टर और दवा की व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों पानी में डूबकर घायल हुए गोमो अंबेडकर नगर निवासी सोनू राज पिता अशोक राम का निधन जीतपुर और साहू भैयार पीएचसी में डॉक्टर नहीं होने के कारण हो गया। करोड़ों की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ शोभा के पात्र हैं। स्थानीय विधायक को इससे कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ और सिर्फ संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं। आप लोग जदयू पार्टी से जुड़े और टुंडी विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक को बदलकर पार्टी को विजय बनाने का काम करें। पार्टी टुंडी विधानसभा का तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगी। पुतला दहन कार्यक्रम में जदयू टुंडी विधानसभा चुनाव प्रभारी पूर्व जिला परिषद सदस्य सहदेव प्रसाद सिंह, जदयू तोपचांची प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडे, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तोपचांची प्रखंड अध्यक्ष अहमद रजा, दीपक महतो, सपन दुबे, सोनू आदि सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। आपको बताऊं, पिछले दिनों गोमो अंबेडकर नगर का सोनू राज करके एक लड़का नदी नहाने के क्रम में वो घायल हो गया था और उनके साथियों ने, उनके परिजनों ने तुरंत उसको पानी से उठा के जीतपुर हॉस्पिटल लाया। वहाँ डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था। फिर आनंद फानन में लोग साहू भैयार लेके, तो चाची साहू भैयार लेके गए, वहाँ भी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। फिर इनके परिजन और इनके साथी धनबाद NMCH लेके जा रहे थे, इसी क्रम में उस बच्चे का मौत हो गया। टुंडी के लिए ही सिर्फ नहीं, ये पूरे मानव जाति के लिए, पूरे इस राज्य सरकार के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सारा व्यवस्था होने के बावजूद भी करोड़ों करोड़ का हॉस्पिटल जीतपुर में है, करोड़ों करोड़ का हॉस्पिटल साहू भैयार में, और एक गरीब बच्चा का जान चला जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो स्थानीय विधायक है, इस पर 2 दिन में उनका किसी भी प्रकार का कोई ना स्टेटमेंट आया, ना स्वास्थ्य विभाग के प्रति कोई उसका कार्रवाई हुआ। इन सभी विषयों को देखते हुए, चूंकि जनता दल यूनाइटेड और यूथ फोर्स लोगों के लिए राजनीति करती है, समाज के लिए राजनीति करती है, गरीब शोषित पीड़ित के लिए राजनीति करती है, जबकि इन्होंने किसी संगठन ने बोलने का काम नहीं किया, तो आज हम लोग स्वास्थ्य विभाग को जगाने के लिए, इस सरकार को कुंभकर्णीय नींद से जगाने के लिए आज हम लोग एक सांकेतिक पुतला दहन कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग का करने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम के बाद अगर विभाग नहीं जगती है तो यह आंदोलन तेज होगा। यह आंदोलन, यह सोनू राज का जो हत्यारा स्वास्थ्य विभाग है, सोनू राज का जो हत्यारा स्वास्थ्य विभाग के चलते इस सरकार तक इसका असर पड़ेगा और यहाँ के इस सरकार को झुकने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यहाँ व्यवस्था में सुधार करने का के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा, और अगर यदि ऐसा नहीं करता है तो ये सरकार फिर अपने आप को समझ ले कि उखाड़ के फेंकने के लिए हमें तैयार। 1 करोड़ का जो